अपना तारा फे करावा क्या क्या नहीं मिला हमें आले रसूल से। गुंगे बंदे ना बोलन जिन्हां नूं लब्भा नहीं ओह ना बोलन। बिल्कुल करीब हो जाओ। क्या क्या नहीं मिला हमें आले रसूल से, जो जो कर्म हुआ है भुलाया न जाएगा। सारे नहीं बोलते लगता है। क्या क्या नहीं मिला हमें आले रसूल से, जो जो कर्म हुआ है भुलाया न जाएगा। आले नबी का इसलिए हम देते हैं वास्ता, जुज इनके मुस्तफा को मनाया न जाए। अपना तारफ हो गया तो हुन हदायती जुमला है वे। अगर तबीयत मन्ने को दीन बयान करन दी ते फिर कोशिश करनी है दो काम लाजमी करने ने। किसे उस्ताद को जाके पढ़ना है, गूगल ते यूट्यूब ते गुजारा नहीं करना। आग छड़ो। मैं अर्ज किया कि तुहानू ये हदायत को नहीं देन लगा, क्योंकि आले रसूल दे जोड़िया दी खरात पूरी फकीर दा पूरी दुनिया दे नाम आ चलदा। और मैं भी सही वाल दा सफर करके इस आस्थान आलिया ते हाजिर होया, ते वादा सी सदात दी महफिल है, ते चलो खिलाफ वर्जी ना हो जाए, वरना मैं नहीं सी आ सकता। जाके पढ़ना यूट्यूब ते नेट ते गुजारा नहीं करना। ते दूसरी गुजारिश है उसूल है पढ़ना उदे कोलों है जेड़ा आशिक रसूल हो। मठे बोलो जरा, जे बेअदब कोल पढ़ोगे ते तीला नहीं रहना पल्ले, जे किसे आशिक कोल पढ़ोगे फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले। तुसी आखोगे इहदा फायदा की होवेगा, इहदा फायदा की होवेगा। बच्चो नदान हो बच्चो, तुसी नहीं मेरी गल पुत्र समझनी, मैं सियाणा नूं समझा रहा जिहड़े 25 साल दे मुंडे ने 15 16 17 18 20 25 30। फायदा की होवेगा? एक बंदा गुमराही तो बच जाएगा, एक बंदा गुस्ताखी तो बच जाएगा। ते जिस बंदे दे पल्ले दो दौलतां होईयां ना, एक हदायत ते एक मुहब्बत, ते इंशाल्लाह वो आले रसूल दा भी नौकर होएगा, असहाबे रसूल दा भी नौकर होएगा, अजवाजे रसूल दा भी नौकर होएगा। ते जिन्ने बेअदबी दे सबक पढ़े होणगे बेलिहाज बेलगाम, उदे सामने ते अपनी मां दी हसीयत को नहीं, मोमना दी मां दी शान नूं की जाने। इसलिए ये उर्स कराए जांदे ने दो वजह दा। एक ते जान वालियां दी सीरत तो किरदार पेश कीता जाए। मठे बोलो मठे बोलो, बच्चे बोल सियाने बोलन जरा। इस तो अलावा को मकसद होया तो मैंने आख्या जे तुसी गलत बयान कीता। किसे बुजुर्ग दा उर्स करन दा मकसद दो ने, एक तो उन्हां दा सीरत तो किरदार बयान कीता जाए ताकि आने वाली दुनिया उस अल्लाह दे वली नूं भुले ना, उहदी की खिदमात सन ते की उहदी करामात सन। दूसरा मकसद ये वे आने वालियां दी इसलाह कीती जाए कि यार जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, वलिया ना ला के जिंदगी आबाद करनी है।
इस तो अलावा को मकसद आया तो मैं दस दियो। तो मेरा ख्याल है तकरीर दे हो गई। क्यों जी फराज बाबू जी तकरीर दे हो गई? उन्हें मैं सलाम कर लिया तो चुम ले उन्हें दी मुस्कुराहट साड़ी बख्श दी दलील हो गई। असा पैगाम दे दिता लेकिन एक हुक्म है कि शान दरा अपने अंदाज भी बयान करनी। ओ फकीर इंशाल्लाह खुतबा पढ़ के ते फिर उस ज़ौक नाल पेश करेगा। तुसी थकते नहीं पाएगे थोड़े आ चुके गए ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन वाला आलिहि वासहाबिहि वा आलि बैतिहि वा ज़ुर्रियातिहि वा औलियाई मिल्लतिहि वा उलमाए उम्मतिहि वा अहले सुन्नतिहि वा अहबाबिहि अजमाईन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم بلند وانا درود و سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكى بهم جليسهم صدق الله العظيم بڑی عقیدت و بڑی محبت نال درود و سلام ہاتھ لرا کے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله پایا آل محمد نے ہر شرف جمیلا جننے بھی شان ہے نے نا اللہ نے آل محمد نو عطا کیتے تے پڑھنا میرے ذوق نال پایا آل محمد نے ہر شرف جمیلا شاعر کہندا ہو جا شرف جمیلا ہے او شرف بزرگی جمیلا خوبصورت شان والا او کی شرف ہے تے پھر ہاتھ لرا کے آکھنا جی پاویں ہے نہیں او کوئی مسئلہ نہیں میں اٹھ بندے وچ تینا گھنٹے تقریر کر چھڑنا کوئی رولا نہیں کیونکہ بندے انہی سنانی ہوندی جنہاں دا ذکر ہوے سنانی انہاں نوں ہوندی تاجدار ختم نبوت کوئی
कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं, कोई तरावी नहीं, कोई सदका नहीं, कोई खरात नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई उर्स नहीं, कोई महफल नहीं, जिसे ताजदारे खत्मे नबूवत की दारा। बोलो है जरा, ताजदारे खत्मे नबूवत। ते जनाबे मौला हसन ते मौला हुसैन तो ना दे बाबा अली वंदने असली पहले गवा ये मैं भी नबी जी गोच खेड़िया ते मेरा हसन भी नबी जी गोच खेड़िया ते मेरा हुसैन भी नबी जी गोच खेड़िया ते जेड़े गोद विच ते कंधियां ते खेड़े ने ओ पहले गवा ने मोहरे खत्मे नबूवत दे। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं काबिल एहतराम मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। और अगली गल ते होर तड़प जाओगे सदाते ग्रामी को दुआ लैनी शाजी को खुसूसी निगाह अपने बुजुर्गों का फैल कतले हुसैन आखरी शेर है कतले हुसैन असल में मर के यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं काबिल एहतराम मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर के कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है और इस्लाम हथ लड़ाओ जरा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और खत्मे नबुव्वत आप हैं, खत्मे रसूल आप। अब कोई नबी ना आएगा मेरे मुस्तफा के बाद। सलाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और तकमील दीन हो गई जेड़े ज्यादा जीरक बैठे हो मेरा उन्होंने वास्ते भी जुमला तकमील दीन हो गई हुई वही तमाम अब कोई वही न लाएगा मेरे मुस्तफा के बाद। सलाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये दो शेर मैं तुम्हें अपने सुनाए पाया आले मिसरा एक शेर नहीं पाया आले मोहम्मद ने हर शर्फ कोई ऐसी शान नहीं जड़ी अल्लाह ने आले रसूल नु अता नहीं पाया आले मोहम्मद ने हर शर्फ जमीला है ए पाया आले मोहम्मद हर शरीफ जमीला है दुनिया में ना ना मठे बोलो दुनिया में इनाम का बख्शिश का वसीला नाम उनका जिनू चाचा ये बोले हाथ लड़ा के लड़ा ऐसे ऐसे लहरा के बोलना नाम उनका जमाने नाम उनका जमाने में बख्शिश का वसीला है ओ जड़ा मुल्ला व
वसीले दा मुनकर है ओनू मैं कहना चाहना ओ मुल्ला ओ जै सहाबे कह दा कुत्ता जंती हो सकता है आले रसूल दा नौकर क्या सारे आखो क्या बात फिर सुनिए और उच्चा जरा बोलो जरा हाँ हाँ फिर बढ़िए वाह सुभान अल्लाह करिए सर साहब ये आ गए ना जरा और मोहब्बत फरमाना ए पाया इनका के हाथ लनाना जरा फिर गल लो चा सोनी पूरी हां बिल्कुल ए पाया आले पढ़ो सारे पाया आले मोहम्मद ने हर शर्फ जमीला है उन लहरा बात ए पाया आले मोहम्मद ने हर शरीर जमीला है नाम उनका मौला हसन से मौला हुसैन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदना इमाम जाफर सादत सैयदना इमाम बाकर सैयदना इमाम जाफर सादक सैयदना अली सैयदना तकी सैयदना नकी सदके जावा हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़म नाम इनका ज़माने में अली दा नाम भी नाम उनका जमाने में बख्शिश का वसीला पहली यारी सही सुनिया जी दूसरी यारी नहीं जी सही सुनिया नहीं खोल के जरा हाथ लड़ा के देना नाम उनका मेरे कान सुन दे नहीं बोलो जरा हाँ नाम उनका जमाने में और जिन्ना दी होनी हो तो बख्शिश बोलो ओ मेरे लो मेरी गल है तो मैं तो कराई बैठा बख्शिश मैं तो लड़ भी सही तां दे लगा नौकरी भी उन्होंने नहीं पै देना मैं कोई तारफ है मेरा क्या क्या नहीं मिला मैं तुम अपनी गल करो नाम उनका जमाने में गवाही पाओ हाथ लड़ा के बख्शिश का वसीला है और ये जो अगला शेर है ना इधर जो कुरान की आयत है ये दा बैकग्राउंड फिर एक हदीस है फिर ओदे सारी तफसीर एक मिसरे दो मिसरे च एक शेर विच सुनो जरा पहले मिसरे च गौर करना है मैं ता कहया जी किसी को जाके पढ़ना है YouTube ते गुजारा नहीं करना दो गल्ला तो बच जाओगे एक जेल नहीं रहने लगे एक गुस्ताख नहीं होने लगे बंदा जदों गुस्ताखी करेगा जाहिल करेगा अल जाहिलो कल हय्ये कल मय्यत अल जाहिलो कल मय्यत जाहिल मुर्दार दी तरह अल आलम कल हय आलम दीन जिंदा का सुभान अल्लाह जेड़ा नहीं उठदा है मौलवी मौलवी आ मैं खलो जा तेरा संजा भी सीधा उन्हें ही कराया मठे बोले अगली गल सुभान अल्लाह देखो सारा जहान ही आ जाएगा बाबू जी तुसा फिर इंज नहीं सुनी होनी शान जी में नौकर फकीर सुना चलिया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਆਹਾ ਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀ ਸੈਯਦ ਆ ਕਈ ਬਣ ਨਾ ਦੋ ਬਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖਬਰ ਹਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅਗਲਾ ਕੀ ਮਿਸਰਾ ਓਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਈ ਲੱਖ ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਕਈ ਲੱਖ ਕਬਾਇਲ ਕਬਾਇਲ ਕਬੀਲਾ ਕਬਾਇਲ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹ ਕਈ ਲੱਖ ਕਬਾਇਲ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਮਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੱਥ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲੜਾ ਸਕਣਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਵੀ ਉਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲੜਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲੜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਨ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਠਾ ਹੀ ਸਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੱਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਲਈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਕਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਸ਼ੋ ਉਹ ਕਾਕਾ ਖਮੋਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਖਮੋਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬੋਲਾ ਕਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੱਠੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਯਾਰ مولا کائنات علی شیر خدا سبحان اللہ کئی لاکھ قبائل ہیں انگنت لا تعداد انگنت ਸ਼ਮਾਇਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਜਦ ਕਰੀਏ ਨੱਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਜਦ ਆਵੇ ਤੇ ਵਜਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਇੰਜ ਝੂਮ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਹ ਕਈ ਲੱਖ ਕਬਾਇਲ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਮਾਇਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜੋ ਆਲਾ ਹੈ ਹੱਥ ਲੜਾਓ ਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜੋ ਆਲਾ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਪੰਜ ਤਨ ਕਾ ਕਬੀਲਾ ਦੁਨੀਆ ਆਖੋ ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜੋ ਆਲਾ ਆਲਾ ਖੋਚਾ ਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜੋ ਆਲਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜ ਤਨ ਕਾ ਕਬੀਲਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੋ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੋ ਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜੋ ਆਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਲਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ ਆਲਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਿਹਾ ਹੋਵੇ
ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। आखो दुनिया में जो आला है, पाइंटन समझने ने थोड़ा जा ध्यान मेरा रखी, जरा गूगल तो टाइम ना लिया कर। बड़े बंदे जाहिल बैठे नहीं, बड़े मुनकर बैठे नहीं, बड़े बेअदब बैठे नहीं। कोई मौला अली दा बेअदब है, कोई सदीक अकबर दा बेअदब है, कोई फारूक आजम दा बेअदब है, कोई उस्माने गनी दा बेअदब है, कोई उम्मुल मोमिनीन दा बेअदब है। असीं अदब वालियां दे नाल आ बेअदबां दे नाल। मुस्कुराहट आवे लब्बे लब्बे या रसूल अल्लाह लब्बे लब्बे ताजदार खत्मे नबुव्वत सैयद सरदार अली शाह साहब आस्तान आलिया माजरा शरीफ। दुनिया में कोई आके आलम सुनी शानदार मोंदी है। आखिरी मिसरा पढ़ के सुना दे उन्हें कहा चल मौलवी चल चुप किताब ना से तो। दुनिया में जो आला सिर्फ पांच नहीं कबीला अली दे भी धीआं पुत्र आला ते हसन दे भी धीआं पुत्र आला बोल जड़ी आला ते हुसैन दे भी धीआं पुत्र आला जिथों तक जात गई है आला ओए अब्दुल कादर की लानी भी आला। पर दुनिया में जो आला ये पंजा दे का रोक लवे ते होर कोई सैयद आला नहीं हो सकदा। ओ मठे बोले यार आंदा नहीं यही पंजा नु मानने आंदा के छेवें दा की कसूर है। पंज तन तो मुराद ताने मुस्तफा दा आज समझो पांच कदी जिंदगी च ना समझा वे लखां दी फीसा लैण वाले ना समझा सकन जो खाजा गरीब नवाज दा ते बाबा जी खादम हुसैन रिजवी दा नौकर समझा जा। हाँ जी सुनो जरा हाँ जरा जनाबे नौकरी मैं पेश कर लगा अरी साहब तुसी भी जिंदगी च पहली अरी समात करोगे। पांच तन ताने मुस्तफा दा लगन आले नाल चार ने ते ए पांच लफज भी फारसी दा ते तन लफज भी फारसी दा। खेड़े हो गए सुभान ए तन मुस्तफा दा बदन मुस्तफा दा ए जिस्म मुस्तफा दा ए जान मुस्तफा दी ते नालो शाखा निकलिया। पांच तन तन पांच तन ए तन मुस्तफा दा पांच नाल लगे अली भी शान वाले हो गए। जहरा पैदा होइया शान वालियां अली नाल आ गए घर रोज बन गए मौला जहरा पाक दे मौला अली ओ भी शाना वाले तन हो गए ते फिर को दो लाल अल्लाह ने दिते जहरा नु ओ भी लाल हो गए है चार शाना।
पंजवें नबी पाक ने चार लगे एक दो तीन चार पांच ते जे उधरों आवे अबू बकर एक उमर दो उस्मान तीन अली चार नबी ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਬਾਉ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਈਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਖਰਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਮੀਆਂ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਜਾਓ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ हमारी मस्जिद बन रही है मैं कहा तेरे उत्ते डेके मर जाए तू थले आके तेन समझ नहीं आई मस्जिद भी मौला हुसैन दा सदका मदरसा भी मौला हुसैन दा तेन मरमानी भी उन्होंने जिक्र ना आवे बड़ा बद नसीब है हां जी बस काका चुप करो ए काका चुप करो आ देगा तू आओ यार ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ